या मैम रोलिंग। बॉलीवुड हेल्पलाइन में आपका स्वागत है मैम। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे त्यौहार हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। बिल्कुल। तो वैसे ही ये स्पेशल त्यौहार है होली, जो हमारे काफ़ी करीब आ चुका है। बिल्कुल। तो क्या इतना स्पेशल रखता है आपके जीवन में ये होली? सबसे पहले तो मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगी जो मुझे सुन रहे हैं, और स्पेशली आपके चैनल। मुझे ये लगता है कि होली जो है वो हम सबको एक कर देता है, और कोई अगर बहुत उदास भी रहे तो वो इतना कलरफुल त्यौहार है होली कि हम सारे इन चीज़ों से कलरफुल हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कोई ब्लैक एंड वाइट होगा, आई मीन लाइक सारे ही हम कलरफुल हैं। तो ऑब्वियसली कलरफुल जो त्यौहार है वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एंड आई रियली रियली लव दिस फेस्टिवल। बिल्कुल बिल्कुल मैम। और हम सब एक अलग अलग त्यौहार आते हैं तो हमारे पसंदीदा त्यौहार होते हैं, तो हम कुछ खास तैयारियाँ करते हैं। तो आप क्या खास तैयारी कर रहे हैं होली में? देखिए, ये मेरा त्यौहार है, और अगर मैं फॉर्मली जवाब ना दूं और अगर मैं सच सच कहूं तो मैं मेरी स्पेशल तैयारी ये होती है कि मुझे कहीं से भांग मिल जाए तो मुझे कहीं से भांग मिल जाए, और मैं चीटिंग करके सबको, जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली हैं, उनको भांग पिलाती हूँ। और जब फिर उनको भांग हो जाती है, जब वो हरकतें करते हैं, तो मुझे वो देखने का बड़ा मज़ा आता है। कलर यूज़ करती हूँ थोड़े बहुत, क्योंकि आजकल बहुत केमिकल हो गया है, और मैं किसी को यूज़ करने की सलाह भी नहीं दूंगी। मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बट ये सारा लेक्चर लगेगा अगर मैं ये कहूँ, बट ये सच है। बट भांग, कलर्स और मस्ती, गाने, वाइट कपड़े, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है। जी जी। और आप इस त्यौहार को किसके साथ मनाना पसंद करेंगी? जैसे फ्रेंड्स या फैमिली या कुछ स्पेशल लोग होंगे आपकी लाइफ में, उनके साथ? मैं इस त्यौहार को शुरू से, जब से मुझे समझ आई है, तब से मैं अपनी फैमिली के साथ मनाती हूँ। मैं यहाँ जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ, तो हमारी 20 लोगों की फैमिली है, जॉइंट फैमिली, गुजराती फैमिली। सो मैं आज तक उनके साथ ही मनाते आई हूँ त्यौहार। और हमें फैमिली के साथ मनाते मनाते कुछ मेरे फ्रेंड्स जो है वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ही हो जाता है मेरा त्यौहार। जी जी जी। और कुछ स्पेशल गिफ्ट अपने फ्रेंड्स या फैमिली के लिए कुछ स्पेशल कुछ सोचती हैं? यस, बहुत सारी मिठाइयाँ, जलेबी, लड्डू, ये सारे गिफ्ट हैं उनके लिए। जब वो मेरे घर पर आते हैं और होली मनाने के लिए मेरे पास आते हैं, थोड़ा सा कलर वलर लेके, तब मैं उनको बहुत मिठाई खिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा। ओके ओके। तो आपके फैंस के लिए कुछ ये कि होली आ रहा है, ये जितना खूबसूरत है उतना खतरनाक भी है, अगर exactly. सावधानी से उसको ना खेलें, तो आप किस तरह का सावधानियाँ बरतने को कहेंगी? देखिए, सबसे पहले कुछ ऐसे केसेस हो चुके हैं कि कुछ लोगों ने मेरा ये बीच में पता चला था, मेरे खास फ्रेंड्स थे, कि उन्होंने केमिकल वाला कलर यूज़ किया, और उसके बाद उनकी स्किन पे बहुत गंदा इन्फेक्शन हुआ था। कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा दारू पी ली, उनका भी कुछ एक्सीडेंट दिया, ऐसा कुछ नुकसान हुआ था। तो मुझे लगता है बहुत प्यारा त्यौहार है कलर का, मस्ती करो, मिठाई खाओ, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा अच्छा पंजाबी म्यूज़िक, होली म्यूज़िक सुन के त्यौहार मनाओ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप इसी तरह से प्यार से, मोहब्बत से, कलर से, म्यूज़िक से, बहुत सारी मिठाई से आप बनाएं ये त्यौहार, और केमिकल वाले कलर ना यूज़ करें। और मेरी एक बहुत स्पेशल रिक्वेस्ट है, पैट को परेशान मत करो प्लीज़, उन्हें कलर मत लगाओ। एंड हैप्पी होली फ्रॉम माय साइड। हम देख रहे हैं कि आप मिठाइयों पे ज़्यादा जोर दे रही हैं। yeah. तो क्या मतलब आप कौन सा ऐसा मिठाई है जो आपके दिल के काफ़ी करीब रहा है और होली में खाना पसंद करती हो? होली में मैं जलेबी, रसमलाई, मतलब आप अगर मुझे पूछेंगे तो फिर वो लंबी लिस्ट आती जाएगी, लड्डू, आई डोंट नो क्या क्या, मतलब इट्स अट्रैक्टिंग। तो ये आप खाती हैं या अपने फ्रेंड्स को भी बना कर खिलाती हैं? नहीं, मैं खाती हूँ होली के दिन, कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं, मैं बिल्कुल खाती हूँ। यस यस, बनाना तो मुझे चाय भी नहीं आता तो यस, मैं खाती हूँ और फ्रेंड्स को भी खिलाती हूँ, और आप भी ज़रूर आइएगा सब लोग, ताकि मैं आप लोगों को भी मिठाई खिला सकूँ। और कोई स्पेशल म्यूज़िक जो आप बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं होली में? होली का कोई स्पेशल म्यूज़िक हो? अरे होली के इतने अच्छे गाने, अपनी बॉलीवुड की फिल्मों से इतने अच्छे गाने हैं कि मुझे लगता है कि जैसे लेट्स प्ले होली और रंगीलो मारो ढोलना, कितने सारे गाने। मैं होली में सिर्फ होली के गाने सुनती हूँ, बाकी कोई गाने ही सुनती नहीं, क्योंकि पूरी साल हम बहुत सारे गाने सुन रहे होते हैं, बट होली के दिन होली के गाने। तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली ने कभी कुछ स्पेशल सरप्राइज़ आपके लिए रखा है होली में कि कभी ऐसा कोई सरप्राइज़ दिए हो, जैसे आके सडनली आपके चेहरे पे कलर रंग लगा दिए हो या फिर कुछ समथिंग स्पेशल? जी, मेरे फ्रेंड्स और फैमिली ने सच कहूँ तो बहुत सारे सरप्राइज़ दिए हैं, उसमें से 2-3 मैं आप लोगों को काउंट कराना चाहूँगी। पहले तो वो बहुत बुरी तरह से आके कलर लगा देते हैं मुझे, जब मैं बहुत मना करती हूँ फिर भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा सा नाटक करना भी अच्छा लगता है, मत लगाओ एंड ऑल दैट। दूसरा ये है कि वो ज़बरदस्ती बहुत सारी भांग पिलाते हैं, फिर पूरा दिन मैं खाना खाती हूँ, हंसती हूँ और खेलती हूँ। तो ये ही सरप्राइज़ है, और एक्चुअली इस सरप्राइज़ में मुझे मज़ा आता है। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे सरप्राइज़ मिले हैं। आपको देख के लगता है कि आप फैमिली और फ्रेंड्स से काफ़ी क्लोज रही हैं। बिल्कुल। तो दोनों में से सबसे ज़्यादा आपके जीवन में अहमियत कौन रखा है? फैमिली स्ट्रगल्स में? फैमिली और फ्रेंड्स। फैमिली के बाद आते हैं फ्रेंड्स। अच्छा। तो आपका कोई फैंस के लिए कुछ स्पेशल तोहफा जो आप लेकर आ रही हो प्रोजेक्ट के माध्यम से होली में? होली में मेरा एक वीडियो रिलीज़ हो रहा है, ये 22 को हो रहा है मेरा वीडियो रिलीज़, और आई थिंक उसके 15 ही दिन के बाद रोटी का प्लान रोमांस रिलीज़ हो जाएगी। आफ्ताब के साथ जो जी का प्रोजेक्ट है, वेब सीरीज़ है, वो भी रिलीज़ हो जाएगी। तो ये सारे सरप्राइजेस हैं। ओके, तो जाते जाते आप अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे होली के लिए? जी, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल नेगेटिविटी को दिल से हटा दीजिए। बस अब होली, कोविड ओवर, होली, दिवाली, सारे त्यौहार हम मनाएंगे, बहुत प्यार से मनाएंगे, बहुत सारे कलर्स के साथ मनाएंगे। केमिकल वाला कलर मत यूज़ करना। और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको खुश रहने की ज़रूरत है, और एक ही लाइफ है, ज़्यादा मत सोचिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली। थैंक यू।